हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अंकुर एंड यू आर वाचिंग गेमर अंकुर। गाइस, इस वाले वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए कि किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। क्लैश ऑफ क्लैंस वर्सेस पबजी, जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस साल का। तो भाई, दोनों गेम ही बहुत अच्छे हैं एंड मैं जानता हूँ फिर भी बहुत लोग झगड़ा करते हैं इन दोनों गेम के लेकर। तो गाइस, मैं बता दूँ, दोनों गेम ही बहुत अच्छे हैं एंड दोनों के बीच में कोई कंपेरिजन नहीं बनता। तो भाई, फिर भी मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ इस दोनों गेम में, जिसका नाम है क्लैश ऑफ क्लैंस एंड पबजी, यानी कि प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड। तो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड गाइस, बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। तो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जो जो नया आ रहे चैनल में, एंड सभी बंदे लाइक मारना, ठीक है? क्लैश ऑफ क्लैंस के नाम, पबजी के नाम, इस चैनल के नाम, सभी लाइक मारना, सभी के सभी बंदे। एंड सभी लोग सब्सक्राइब करो और साथ बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग इस दोनों गेम के लेकर, इसकी फोन कॉम्फर्टनेस से लेकर, इसकी ग्रोसिंग, रैंकिंग, कैसे खेलते हैं, किस टाइप का गेम है, गेम प्ले से लेकर पूरा पॉपुलरिटी एंड सब कुछ देखने वाले हैं। तो भाई, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग इंडिया की पॉपुलरिटी देखने वाले हैं, यूएसए की पॉपुलरिटी देखने वाले हैं इस दोनों गेम में, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलरिटी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, हमारा जो गेम टाइप है यहाँ पर, हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस है स्ट्रेटेजी टाइप का गेम, एंड हमारा जो पबजी प्लेयर अनोन्स बैटल ग्राउंड्स वो है एक्शन टाइप का गेम। तो भाई, सेकंड में देखते हैं। तो भाई, हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसा गेम है, कैसे खेलते हैं, यानी कि गेम प्ले। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, सीओसी ऐसा गेम है, यहाँ पर हम लोग खुद की आर्मी ट्रेन करके, मतलब ट्रूप स्पेस एंड हीरो सब ट्रेन करके, यहाँ पर देख सकते हैं सीज, अभी सीज है टी एस 12 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेल्स, ट्रूप्स, हीरोस, सीज सब लेकर दूसरों के बेस में अटैक करके हम लूट करके खुद के बेस को अपग्रेड करते हैं। एंड अगर लो टाउन हो तो सब ट्रूप्स टाउन, ट्रूप्स ट्रेन करके हम लोग खुद की बेस को, मतलब दूसरों की बेस को लूट करके खुद की बेस को अपग्रेड करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा बिल्डर बेस है, तो देख सकते हैं इसे भी हम लोग अपग्रेड कर पाते हैं। तो ये कंसेप्ट आया था, यहाँ पर जो बोट है, ये बोट पे एडवेंचर के लिए निकल रहे थे कुछ सैनिक, एंड लास्ट में रात में कुछ एक बेस में पहुंचे एक आइलैंड में। तो यहाँ पर इस नाइट बेस इसका नाम है इसलिए। तो बिल्डर बेस आया था न्यू। एंड गाइस, बहुत सारे चीजें ऐसे कि वॉर है, जैसे क्लैन वर्ल्ड लीग आया है हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस में, एंड यहाँ पर मल्टीप्लेयर मूड है, एंड गोब्लिंस मैप में अटैक कर सकते हैं, बिल्डर बेस में वर्सेस बैटल कर सकते हैं। तो भाई, बहुत सारे फीचर्स है गेम में। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं पबजी कैसा गेम है। तो भाई, ये तो गया हमारा सीओसी, एंड देन आते हैं हम पबजी के ऊपर कि ये कैसा गेम है एंड कैसे खेलते हैं। तो भाई, यहाँ पर देख सकते हैं हम एक प्लेन से एक आइलैंड में लैंड करते हैं, एंड वहां सरवाइव करना पड़ता है हमें। तो वहां पर प्लेन से हम जंप करके पैराशूट लेकर नीचे तक जमीन पे गए आइलैंड पर, हम सरवाइव करते हैं। एंड यहाँ पर गन्स, एमोस एंड मेडिकेट वगैरह सब कलेक्ट करके हमें अपोनेंट को मारना पड़ता है, एंड लास्ट तक जिंदा रहना पड़ता है। जो लास्ट तक जिंदा रहेगा वही विनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन से लैंड किया हुए हम, यहाँ पर घर में ढूंढ रहे हैं कुछ बंदूक एंड गोली वगैरह सब, मेडिकेट वगैरह, एंड हमें दुश्मन को मारना पड़ता है ऐसे। तो ऐसे गेम लास्ट तक तो जीता रहेगा वही विनर, विनर चिकन डिनर कहलाता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस, ये है पबजी। तो भाई, यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस में हम यहाँ पर तीनों जगह पर अटैक कर सकते हैं नॉर्मली, मल्टीप्लेयर में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में गोब्लिन मैप में, एंड यहाँ पर बोट में जाकर बिल्डर बेस में। ठीक है, वर्सेस बैटल, तो तीनों जगह पर अटैक कर सकते हैं हम। एंड पबजी में क्या होता है, तीनों मूड रहते हैं। ठीक है, सोलो में या अगर खुद खेल पड़ता है, एंड डुओ में दोनों लोग खेल पड़ते हैं, एंड स्क्वाड में चार लोग खेल पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थर्ड डिफरेंस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई, हम स्टोरेज स्पेस एंड डिवाइस की कम्फर्टनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई, क्लैश ऑफ क्लैंस 100 MB के आसपास साइज है, एंड बहुत कम स्पेस लगता है फोन में रखने के लिए, एंड बहुत कम नेटवर्क में भी चल जाता है, 2G नेटवर्क में भी चल जाता है, एंड छोटे फोन से बड़ा फोन सभी फोन में चलते हैं अच्छे से। एंड भाई, एंड्रॉयड वर्जन तो चाहिए, पहले आइसक्रीम सैंडविच से चलता था, एंड देन अभी जेलीबीन या फिर किटकैट या फिर लॉलीपॉप से चलता है शायद। तो ठीक है, एंड iOS में चलता है। तो भाई, दोनों iOS एंड Android में चलता है क्लैश ऑफ क्लैंस। तो भाई,
512 MB रैम में भी चल जाता है क्लैश ऑफ क्लैंस, जो कि पबजी में मिनिमम 2 GB रिक्वायरमेंट है। तो भाई देखते हैं, चलो पबजी की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर पबजी का साइज 1.5 GB के आसपास है एंड बहुत तगड़ा फोन एंड तगड़ा नेटवर्क की जरूरत होता है पबजी चलाने के लिए, एंड इसलिए बहुत कम लोग खेल पाते हैं। अगर अच्छा फोन हो तो स्मूथली खेल सकते हैं। तो भाई 2 GB रैम मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है पबजी खेलने के लिए, एंड पीसी में खेल सकते हैं, वो भी बहुत 2 GB रैम रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पर 4G या पर 3G बहुत हाई कनेक्शन नेटवर्क चाहिए पबजी खेलने के लिए, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो भाई ये रहा लास्ट डिफरेंस, जिसमें हम रिलीज डेट के बारे में जानने वाले हैं एंड गेम दो गेम्स का पॉपुलरिटी के बारे में जानने वाले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया एंड USA। तो भाई रिलीज डेट है COC का iOS प्लेटफॉर्म में 2012 साल का 2 अगस्त, एंड एंड्रॉयड गूगल प्ले में आया था 7 अक्टूबर 2013 साल का, एंड पबजी आया था 19 मार्च 2018। तो भाई पबजी मोबाइल आए हुए हमारे 1 साल भी नहीं हुए, एंड क्लैश ऑफ क्लैंस आए हुए हमारा एंड्रॉयड में 5 साल हो गया एंड iOS में 6 साल हो गया, 6th एनिवर्सरी चला गया गाइस। एंड यहाँ पर हम पॉपुलरिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में जो पोजीशन है COC का अभी नंबर टॉप 10 में है, ठीक है, टॉप 10 के अंदर है क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया में, एंड पबजी है टॉप 3 के अंदर, ठीक है। तो भाई क्लैश ऑफ क्लैंस के 6 साल हो गए एंड पबजी के जस्ट रिलीज हुए 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक, और अलग टाइप का गेम है इसलिए थोड़ा बहुत फेमस हो गया। एंड क्लैश ऑफ क्लैंस 6 साल से चल रहे हैं एंड उन्होंने ट्राई कर रहे हैं अच्छे से गेम को अच्छा बनाने के लिए, एंड ग्राफिक्स तो दोनों गेम में ही काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। एंड गाइस इंडिया में टॉप 3 में अभी पबजी है एंड टॉप 10 के अंदर COC है। एंड गाइस ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं हम, तो ऑल ओवर वर्ल्ड iOS में COC है टॉप 10 में एंड पबजी आउट ऑफ 50, ठीक है, टॉप 50 में नहीं है, एंड एंड्रॉयड में टॉप 10 में है ऑल ओवर वर्ल्ड एंड आउट ऑफ 50 पबजी, एंड मोबाइल गेम में ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप 50 में है पबजी एंड टॉप 10 में है COC। एंड गाइस USA में देखते हैं, तो भाई USA में टॉप 10 के अंदर COC एंड टॉप 50 के अंदर पबजी, एंड USA में टॉप 10 के अंदर COC एंड्रॉयड में एंड पबजी आउट ऑफ 50, ठीक है, एंड USA में मोबाइल गेम में टॉप 10 में COC एंड आउट ऑफ 50 में पबजी, ठीक है, टॉप 50 में भी नहीं है। तो भाई ये रहा पॉपुलरिटी USA, इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं जितना नॉलेज इकट्ठा किया था एंड जाना तो आपके साथ शेयर कर दिया, एंड वीडियो को अच्छी बनाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ गए। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय इस वीडियो के पीछे देने के लिए। तो भाई इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप कि आपको पसंद आया। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Clash of Clans.